कम कर लोगे, हल्का काट कर लिया इस तरह से। धनिया पत्ता या अदरक लहसुन और मिर्चा को मैंने काट लिया। इससे मैं एक नई डिश कढ़ाई में डाल चढ़ा दिया, थोड़ा सा उसमें ऑयल डाल रही हूँ। इसमें हम लहसुन अदरक बटन और इसमें हम गरम कल्ला को डाल देंगे। दोस्तों हमने प्याज और हल्का टमाटर बारीक काट के डाल देंगे, मिक्स कर लेते हैं। डालेंगे नमक, लाल मिर्च और इसमें कुछ हरी मिर्चा ऐड कर देंगे। हम डाल देंगे डार्क सोया सॉस, चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा इसमें डाल देंगे गरम मसाला, जीरा गुलकी का पेस्ट 1 टेबल स्पून डाल दें। 5 मिनट के लिए से ढक के पका रहे हैं, तो ढक के छोड़ देते हैं। वो पक रहा तब तक हम मैदा ले लिए, इसमें हम मसाला डाल देंगे, थोड़ा सा नमक, इसमें रिफाइन ऑयल डाल देंगे और इसे अच्छे से गूंथ लेंगे, अच्छे से एक डो तैयार कर लेते हैं। देखिए दोस्तों आटे को नीचे रख दिया, अब इसमें रिफाइन डाल के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ढक के। देखिए दोस्तों अच्छी तरह से इसका पानी भी सूख गया है, बन गया रेडी। इसमें हम धनिया पत्ता ऐड कर देंगे, बन गया रेडी। ठंडा कर लेंगे, 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ठंडा। आटा अच्छी तरह सेट हो गया और ये बैटर भी अच्छी तरह ठंडा हो गया। जैसे हमने एक डो बना लिया, इसे हम बेल लें। दोस्तों हमने एक बड़ा साइज हम बेल लिया, किनारे से हम इसे कट कर देंगे इस तरह से। हमें थोड़ा सा हमें बीच से कट लगा देना है और एक यहाँ से भी थोड़ा सा कट लगा लेना है। इस तरह से हम इसमें रख देंगे इसको, इस तरह से हम इसे बीच से ऐसे और यहाँ से इसे ऐसे कर लेंगे। जो किनारे का उसे हम हाथों से ऐसे से कर देंगे। दूसरा भी हम इसमें बैटर को डाल देंगे। देखिए दोस्तों मैंने इतने सारे बना लिए हैं। कढ़ाई में तेल डाल दिया, तेल अच्छी तरह गर्म हो गया। एक कुकर के इसमें हम ये डाल देंगे, सब कलर। दोस्तों ये अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है कढ़ाई को। देखिए दोस्तों ये बन गया है, इसका कलर भी कितना अच्छा आया है, ये बहुत ही टेस्टी और सख्त है। देखिए